हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक व्यास पे। दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर देयर, नेटवर्क के कितने टाइप्स हैं। इन टॉपिकों पर डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है? दोस्तों, ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए मीडियम सच एज वायर आर वायरलेस। नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह है जो आपस में किसी माध्यम जैसे वायर या वायरलेस से जुड़े होते हैं। कनेक्टिंग इक्विपमेंट टुगेदर वी आर सम कम्युनिकेशन चैनल फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डाटा एंड डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्क। डेटा और उपकरणों को साझा करने के उद्देश्य से उस संचार चैनल के माध्यम से उपकरणों को एक साथ जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स सर्वर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे हब, स्विच, राउटर, मॉडम, ईटीसी और अदर कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स विच अलाउ अस टू शेयर डाटा एमंग ईच अदर। दोस्तों, एक नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर एवं नेटवर्किंग डिवाइस जैसे हब, स्विच, राउटर, मॉडम आदि या अन्य जुड़े हुए उपकरण जैसे प्रिंटर, स्कैनर का एक समूह होता है जो हमें एक दूसरे के बीच डेटा को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। नोट, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू द नेटवर्क इज कॉल्ड ए नेट नोड। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं। जैसे इस नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, इन सारे जुड़े हुए कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए नेटवर्क इज द इंटरनेट विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपुल एंड कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है जो पूरे विश्व में लाखों लोगों एवं कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार। देयर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। आगे इन तीनों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो फर्स्ट, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। फुल नेम ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर इंस्टॉल इनसाइड द सेम रूम और बिल्डिंग एंड कनेक्टेड टू ए सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क। लैन कंप्यूटरों का एक ग्रुप होता है जो एक ही कमरे अथवा भवन के अंदर स्थापित किया जाता है तथा सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। दोस्तों, जैसे कोई बिल्डिंग हुआ या एक रूम हुआ, उसके अंदर स्विच के थ्रू या मॉडम के थ्रू
या राउटर के थ्रू जितनी भी कंप्यूटर कनेक्ट हुए हो रहते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में स्विच से पीसी 1 कनेक्ट है, पीसी 2 कनेक्ट है, पीसी 3 कनेक्ट है, पीसी 4 कनेक्ट है, पीसी 5 कनेक्ट है। ये हमारा किस में आता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। रेंज ऑफ लोकल लैन, लोकल एरिया का रेंज। द रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज जनरली फ्रॉम 10 मीटर टू 1000 मीटर। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज सामान्यतः 10 मीटर से 1000 मीटर तक की होती है। दोस्तों जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है वह मिनिमम 10 मीटर से मैक्सिमम 1000 मीटर तक के अंतर्गत में होता है। दूसरा है मैन। द फुल फॉर्म ऑफ मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ए मैन इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर रिसोर्सेस टू यूजर्स इन ए स्पेसिफिक ग्राफिक एरिया। दोस्तों मैन वह नेटवर्क होता है जो यूजर को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर के संसाधनों को जोड़ता है। मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट विद ईच अदर। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कई लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम बहुत सारे एरिया लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दें तो वह हमारा मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने हॉस्पिटल को, स्कूल को, फैक्ट्री और कॉलेजेस को, इन चारों को एक के साथ कनेक्ट कर दिए हैं तो ये हमारा ये चारों हमारे किस एरिया नेटवर्क में आएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज मोर देन द एरिया कवरेज बाय ए लैन एंड लेस देन द एरिया कवरेज बाय वैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से अधिक एक वैन द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों से कम होता है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा अधिक होता है जबकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क से कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों। द रेंज ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज जनरली विद इन 1 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज सामान्यतः 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के अंतर्गत होती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण क्या है? ए गुड एग्जाम्पल इज ए केबल टीवी नेटवर्क फॉर ए मेट्रोपॉलिटन एरिया विच इज स्प्रेड इनसाइड द होल सिटी। केबल टीवी नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक अच्छा उदाहरण है। जो हमारा केबल टीवी नेटवर्क होता है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है जो पूरे शहर के अंतर्गत फैला होता है, जो एक सिटी के अंतर्गत फैला होता है, जिसकी रेंज मिनिमम 1 किलोमीटर मैक्सिमम 100 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है दोस्तों वैन। The full name of WAN is Wide Area Network. WAN का पूरा नाम Wide Area Network होता है। The term WAN is used for a very large geographical area. WAN शब्द का प्रयोग बहुत बड़े भौतिकी भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। WAN का उपयोग बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है।
wide area network is not only a building and not only a city, but it works to connect the whole world together. Wide area network न एक building न केवल एक शहर बल्कि यह पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है. वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो पूरे विश्व पूरे संसार में हमारा फैला हुआ है. हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक देश से दूसरे देश से कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल देश को एक साथ कनेक्ट होते हैं. ये हमारा किस में आता है? वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है. रेंज ऑफ वैन, वैन का रेंज. वाइड एरिया इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री और ग्लोबली. वाइड एरिया नेटवर्क का विस्तार देश अथवा विस्तार विश्व स्तर पर होता है. वाइड एरिया नेटवर्क का विस्तार देश अथवा विश्व स्तर पर होता है. वैन इज द लार्जेस्ट नेटवर्क अमंग ऑल नेटवर्क. वैन सभी नेटवर्क में से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है. दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe.